सो गाइज, आज का मौसम आप देखो कितना जबरदस्त है। कल शाम हमारे यहाँ थी पूजा, पूजा होने के बाद जैसे ना पूरी पूजा हो गई, करीब 75% ने गांव वालों ने खाना खा लिया था और मेरी तो बड़ी हालत खराब थी। खाना बांटते 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 मतलब स्थिति हो गई थी नाजुक। तो उसके बाद ब्लॉग भी नहीं मिला रास्ते पूजा करने का, क्योंकि खाना बांटना था। और उसके बाद हो गया तूफान आया और बहुत भयंकर बारिश। और आज का मौसम देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, चारों ओर बादल आए हैं। मैं कल तक मैं टी शर्ट में था और अभी मैंने पहनी है स्वेट शर्ट, एक स्वेट शर्ट लेके आया था, मैं कहा ठंडा होगा तो उसे पहन लिया। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम माय विलेज डेयरी द्वाराहाट। तो हम लोग आए हैं अपने गांव डेयरी द्वाराहाट में, आपने पिछले ब्लॉग में बहुत सारे देखे होंगे। तो आज मेरा भाई आया हुआ है, तो ये है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ। देखो तो हम लोग ऐसे फोटोग्राफी करते हैं, वो तो वो कर रहा है फोटोग्राफी बर्ड्स की। थोड़ा आज क्या है, मौसम हो गया है, अगर धूप होती तो बहुत सारी बर्ड्स अभी सुबह सुबह आती हैं गाँव में, लेकिन अभी बादल हैं, अगर जैसे धूप आएगी तो बहुत सारी बर्ड्स आएंगी। तो हम करेंगे बर्ड्स का वेट, थोड़े करेंगे फोटोग्राफी और दिखाता हूँ आपको पूरा दिन का हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अभी बहुत सारे बर्तन हमको पंचायत में वापस छोड़ने पड़ेंगे और साथ में हम गांव का भी विजिट करेंगे आज। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। अगर आपको बर्ड फोटोग्राफी करने का शौक है तो आप मेरे गांव में मेरे होम स्टे में आके रुक सकते हैं आराम से। हमारा यहाँ पे होम स्टे है, मैं सिर्फ 4 या 5 लोग के रहने की व्यवस्था है, ऐसे हमने कुछ कराया है। मतलब अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो उसका अरेंजमेंट भी हो जाएगा गाँव में और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। जब आप मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए, ये सिर्फ उसके लिए है जो बर्ड फोटोग्राफी और लोकल का फूड और आपका देखो थोड़ा बहुत जो ट्रैक है हमारे आसपास, बहुत सारे ट्रैक हैं, मतलब करीब 5-6 ट्रैक हैं और ऐसे मतलब जो तीन चार किलोमीटर के मॉडरेट ट्रैक हैं वो आप करने के लिए आ सकते हो। तो हम फिलहाल जा रहे हैं बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। ये मेरा कैमरा है और इसमें जो लेंस है वो है आपके टैमलॉन का 150-600 mm। तो फिलहाल अभी ये मेरे साथ है, कौन बताओ नाम अपना। हर्षित, ये है मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड। कौन है सबसे बड़ा फ्रेंड? हाँ, तो अब ये ब्लॉग ये बनाएगा पूरा आज से। हेलो, तो हम लोग कर रहे हैं बर्ड फोटोग्राफी। क्या कर रहे हैं? कौन कौन सी चीज़ें देखी हमने अभी तक? नाम भूल गया, अभी से नाम याद कराए थे। ये हमने हमको मिला अल्टामेरियन फ्लाइकेचर, एशियन पैराडाइज फ्लाइकेचर और वर्डिटर फ्लाइकेचर, साथ में विस्लिंग थ्रस और स्ट्रीक लैपिंग थ्रस, ये हमने इतनी यहाँ पर देख लिए, और ओरिएंटेड डब और साथ साथ में ओरिएंटेड डब के स्पॉटेड डब। अब मैं तो तलाश कर रहा हूँ हमको कहीं येलो फुटेड पिजन मिल जाए और इमर्ट डब मिल जाए, क्योंकि इधर गांव में है और ब्लैक बुलबुल भी गांव में है, हिमालयन बुलबुल भी है और रेड वेंटेड बुलबुल भी है, साथ में मैगपाई है, रेड बिल भी, येलो बिल भी और ट्रीपाई भी है, ग्रे ट्रीपाई भी है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे बर्ड हैं, तो वो अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो साथ साथ वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो वीडियो भी आपको दिखाऊँगा उन सब बर्ड का। अब हम लोग जा रहे हैं अच्छी तौर में घर को। कहाँ पर जा रहे हैं? घर को। हाँ, हर्षित ब्लॉगिंग करने का शर्मा रहा है। क्या कर रहा है? शर्मा रहा है ना? हाँ, पहले कह रहा था ब्लॉगिंग मैं करूँगा, अब जैसे कैमरा आता तो हाँ हाँ सब बोला था नहीं कहा। पक्का? हाँ। अच्छा, तो अब तो करेगा ब्लॉगिंग कल से? नहीं नहीं करेगा नहीं। पक्का? कल तो मैं नहीं हूँ। क्यों, कहाँ जाएगा? मैं घर को। घर कहाँ? कौसानी। कौसानी चले जाओगे? हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे, ठीक है? कल कौसानी, वहाँ पे एक चिड़िया है। कौन है ये, क्या है ये? नौला। मैंने देखा है पहले भी। अच्छा, नीतू को भी यह गांव अच्छा लग रहा है। देखो गोल घूमते 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 हमको मनी है मॉन्स्टर रिजर्ट, इसके अंदर कहीं घुस गया है वो काफ़ी आगे।
यहाँ पर घर रहता होगा तो हम लोग वहाँ को इधर को मत जाओ, अगर उसे घर होगा तो काटने आएगा, क्योंकि तो वहाँ पर वो है ना बच्चे अच्छे होंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो सामने भाई खींच रहा है हुप्पू की फ़ोटो, देखो वहाँ पर हुप्पू बैठा हुआ है वो ज़मीन में, उस यहाँ पर हम भाई लगा हुआ वहाँ से फोटो, कहने बहुत छोटा होता ना हुप्पू तो दिखाई नहीं रहा है, तो ऐसे ही वहाँ पर वडिटर बैठा हुआ है। ये पेड़ हमारे अखरोट के हैं और नीतू क्या कर रही है देखो, नीतू ने मौके का फ़ायदा उठाया है और वो खा रही है हिसालू। निहारिका बेचारी काम पे लगी हुई है और नीतू यहाँ हिसालू की मजे ले रही है। हाँ ये खा रही है हिसालू। तो आज किधर जा रहे हो फिर भाई? वही हमारे साथ चल रहे हो। किधर जा रहे हो? कौसानी। तो अभी क्या है कि कल तक पूजा थी, अब दौर है मेहमानों को छोड़ने का, पै जा रही है दीदी और हर्षू कौसानी को, तो हम लोग उनको जा रहे हैं रोड पे छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है ना, तो रोड नहीं है तो उसकी वजह से है, अगर रोड होती भी तब भी वो बस यहाँ थोड़ी आती, बस के लिए तो वहीं जाना पड़ता। तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल इनको छोड़ने के लिए उधर, साथ में थोड़ी सुबह फोटोग्राफी भी होगी, कब तक गुलदार वगैरह बाग वगैरह मिल जाए, क्योंकि साइड में थोड़ा जंगल पड़ता है, तो ऐसा कुछ। ऊपर हमारे गांव का मंदिर है जहां बज रहे हैं अभी गाने। तो मैं दादा, निहारिका नहीं आई है, नीतू आई है। नीतू और क्योंकि हर्षित की दोस्ती बहुत दिन से चल रही है ना, दो तीन दिन से दोनों, वो मम्मी के साथ नहीं सोता है, नीतू के साथ ही सोता है हर्षित भी अब। तो हम जा रहे हैं छोड़ने के लिए, सामने है रोड देखो वो उधर, और वहाँ से हो रहा सनराइज, यह है गांव का नौला, वो हमारा फील्ड है क्रिकेट का, शाम को वहाँ चलता है क्रिकेट बच्चों का, ऐसा है। उस साइड में पूरे काफल लगे हुए हैं, तो हम लोग कभी काफल खाने जाएंगे तो तब भी एक ब्लॉग बनाएंगे। आया तो नहीं आता, कल रात तो सुनाया था मैंने, नहीं तो कोई दूसरा गाना सुना दो, लाइक नहीं आता, सुना दो गाना एक दूसरा वाला, जा तक तो सो नीतू दी को सुना दो फिर हमको नहीं सुना दे, तो नहीं सुनाएगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं रोड पे, देखो यहाँ पे ये है रोड और ये हमारा खेत है, ये स्कूल को देर होगी है ना तुम्हारे, स्कूल को देर होगी है, देखो बस का इंतजार करते थे, कितने घंटे से खड़े हो यहाँ पे, आधा घंटा हो गया है, बस का टाइम तो 6:30 बजे, मतलब 6:40 यहाँ पे, लेकिन अभी तक बस नहीं आई हुई है, मेरे ख्याल से बस लेट है, 7:30 में चलेगी बस, क्योंकि प्राइवेट बस है ना, 7:30 में भी जा सकती है। तो आ गई भैया बस, देखो तो आ गई बस, बाय। बाय हर्षू, हर्षू बाय। तो मत फोटो आई है हुप्पू की, हुप्पू की फोटो बड़ी मस्त आ रही है, दिखाता हूं यार मेरी ना फोटो की, आप भी बैठिए ना पापा, आप भी चल सारे, हां पापा बैठो आप भी, मैं तुम्हें कैसे खींचता हूं फोटो ऐसे, ठीक है। बुआ जा रही है, बुआ आप कितने साल बाद आए, 2013 के बाद इसके शादी में आए थे, फिर 1 घंटे के लिए वहाँ बारसी में आए थे। हाँ वो आना थोड़ी हुआ पे, नहीं वो आना नहीं, हमारी अम्मा की तरह होती है ना, अभी थोड़ी अभी रोई थी, अभी चुप हो गई। तो अभी मेहमानों को छोड़ने का दौर स्टार्ट, तो माँ के सब्जी भी लेके आनी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बुआ को छोड़ने के लिए, पहले हम लोग गए थे दीदी को छोड़ने के लिए, अब जा रहे हैं बुआ को छोड़ने के लिए, दीदी को छोड़ने गए थे हम ऊपर ये दुमागे आई रोड पे, बुआ को छोड़ने जाना है नीचे, क्योंकि बुआ को जाना नानी के रोड पे, तो बुआ की जो गाड़ी मिलेगी वो मिलेगी हमको यहाँ के, मतलब जो चौराहा है दोहाट का वहाँ। तो ये रास्ते बने हुए गाँव के खूबसूरत, मेड़ बाट बोलते हैं ना जो, वैसे ही रास्ता है,
तो ये है चौराहा, चौराहट का तो यहीं पर से हमको मिलेगी बस। अभी ये रोड चलेगी बद्रीनाथ को सीधे सामने वाली, ये चलेगी रानीखेत को, तो यहीं पर बस आएगी, वो आएगी चकुटिया की ओर से, तो यहाँ पर हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा उसका कुछ देर। तो ये बुआ की बस भी आ गई है, हल्द्वानी 84, तो इस बस में बुआ जाएगी। इसमें क्या है ना, उत्तराखंड के अंदर 60 साल के जो लोग होते हैं उनके लिए फ्री होती है ये बस, प्राइवेट सरकारी वाली। तो बुआ को छोड़ने के बाद मैं आ गया हूँ मार्केट से। देखो अभी तो हाथ खराब होगी क्योंकि चलने की आदत छूट गई ना पहाड़ों में, तो उसे साथ जो होता है फूल लिए। तो ये सामान भी लेके आ गया हूँ, दूध सब्जी वब्जी सब इसमें भर के। तो देखो कितना प्यारा है माहौल, कितनी शांति है ना चारों ओर, मस्त शांति है। देखो इतना बड़ा पेड़ है, ये पेड़ 100 साल पुराना है मालूम आपको। पहले से हम इस पेड़ के नीचे बैठ के छाया में बैठे रहते थे, बाजार से आते थे। वैसे मकान लग गए नीचे नीचे नीचे, पूरा व्यू गाँव का देखो कितनी ग्रीनरी है। और ऐसे मौसम में आदमी की तबीयत अपने आप सही रहती है, थोड़ा बाजार जाएगा पैदल पैदल वापस आएगा, फिर उसके बाद वापस आने के बाद ऊपर नीचे झरना करते थे, पेड़ भी अंदर, सेहत भी वाह, हवा अच्छी, पानी यहाँ का अच्छा, सब कुछ कितना मज़ेदार है ना सब कुछ। ओ ए? मैं दुल्हन जो दुल्हन हूँ कसु देख रहा थी, कसु कसु देख रहा था, भाल भाल। अच्छा भाल की सब बाहरी नानू लोग सब कुछ निहारी। अच्छा हाँ नानू का दिन नानी चली है कहीं पर। हाँ दी चल है नानू, ओ दी चली है नानू का। अच्छा तो कौन भाल की हो, भाल की दुल्हे बच रही थे सा भल है थे तो मोर झालू मालू है। और कत्तू है उम्र तुम्हार दा, अब के अब है नहीं पता, दादी है गए अब 50 है आगे है तो। हाँ दादी है ना पता है जी, अब बुरी को आदो है मिले 50 है ना लाए 50 50 साठ है मेरा दादी है ना। कागज लन है हो नहीं आखिर रोटी कर तो कौन दादी है बरसे है ना मुनी बरसे है ना ला होय पर मेरी भाई शिवार तो ब्याह में दो हो गई होय और ये बात है ये जो का तोहरा दार और जाब का ओए जेला मैं हम मन ने बोए नीड गई को भड़ा गई तो पति रह गई, पति रह गई भगवान ने दी करियो है पति रह गई ओए जो काम हो जाए। एक कन्वर्सेशन चल रहा है मम्मी और बिमली मैं के बीच में, बिमला बिमला की मम्मी, उनकी बेटी का नाम बिमला है, तो बिमली मैं बोलते हैं। तो वो हमारे यहाँ मतलब पहले काम करती है, बुढ़ी होगी तो अब नहीं करती। शहर है यहाँ सकर है शहर है गोया होय केसो राखे था भी राधे हो गोया होय यहाँ बार यहाँ बेटी कहाँ कहाँ बाहर घोंसर बेटी को पर होय हर सारो आई गांव से मो सुबह मैं जब दीदी को छोड़ के आया उस वक्त धूप आई थी, बुआ को छोड़ के आया सब धूप आई थी, फिर मार्केट गया अपना बैंक में थोड़ा केवाईसी कराना था, एटीएम कार्ड दोबारा नया अप्लाई करना था, तो हमारा जो अकाउंट है इधर ही है तो उस वजह से। तो अभी देखो फिर पूरे हालत जज्बात और मौसम पूरा सब कुछ बदल गया वापस, दिन में भी 2 बजे में, परसों ये बारिश आई थी शाम को 8 बजे, कल ही आई थी शाम को 4 बजे, आज ये 2 घंटे पहले मतलब रोज 2 घंटे का इसका मार्ज। देखो कितना भयंकर तूफान चल रहा है ये, और मौसम है काफ़ी जबरदस्त, देखो आप कितना जबरदस्त लग रहा है मौसम। इसका एक टाइमलेस बनता है, एक टाइमलेस मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका, बहुत तगड़ा वाला। टाइमलेस को मैं आगे मैं छाता लेके आनी पड़ी पूरी मालूम आपको, छाता ला के मैं छत पर खड़ा था, बारिश बहुत तेज़ बढ़ गई है, अभी नहीं आ रही। गाने मेरे को बोला कि मेरे छाता लेके आओ, लेकिन नीतू को बुला लिया है, वो एक्चुअली वहाँ पर बर्तन धो रही थी, मैं छाता लेके आ रहा था, नीतू अब छाता लेके खड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ बर्तन ना बाहर धोते हैं घर से आयरन के बाहर। तो अभी देखा माहौल देखो इतना ज़बरदस्त है, ये ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो है 16 डिग्री करीब, 16 डिग्री टेम्परेचर है जो आज दिन का टेम्परेचर है, रात को यही टेम्परेचर करीब पहुँच जाएगा 12 डिग्री के करीब या 10 डिग्री करीब। तो आप सोचो कि कितना बड़ा स्वर्ग है, एक तो हम रहते हैं 22 डिग्री में और वहाँ से आके आते हैं 22 डिग्री में, मैं जो अनुमान अगर दिन में गर्मी रहेगी तो 28 डिग्री टेम्परेचर आता है, अगर दिन में धूप रहेगी तो उससे ज़्यादा नहीं आता, रात का वही 18 पहुँच जाता है, लेकिन अभी क्या है कि 2-3 दिन बारिश हो रही है तो दिन का टेम्परेचर जा रहा है 22 और रात का जा रहा है करीब 12। तो ये देखो कितना मज़ा आ रहा है,